रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाइए आलू परवल की बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी मसालेदार सब्जी बहुत ही कम ऑयल में। जी हाँ, लेस ऑयल रेसिपी है ये। आपको मार्केट में जो रेस्टोरेंट में सब्जी मिलती है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो बस आप उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें ऑयल डालिए। ऑयल की मात्रा केवल 3 टेबल स्पून ऑयल लीजिए। और ये सरसों का तेल है, इसको फुल फ्लेम पर थोड़ा गर्म कर लेते हैं। उसके बाद जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे से इसको डाल देंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। और उसके बाद परवल को धुल करके मैंने ऊपर से थोड़ा सा नाइफ से उसकी थोड़ी सी स्किन हल्का सा घिस लेते हैं। उसके बाद इसको धुल करके 4 भागों में इस तरह से कट करेंगे। इतनी बड़े बड़े से ये परवल के टुकड़े करके और उसको डायरेक्ट हम डालते जा रहे हैं। लो फ्लेम पर हमारी गैस अभी भी चल रही है। बहुत ही जल्दी एक रेसिपी बन जाती है। बस आलू को छीलिए, इसमें 2 आलू हैं और उनको भी इस तरह बड़े बड़े टुकड़े में कट करके डाल दीजिए। ये पाव भर परवल है। और उसके बाद इसमें 2 प्याज लीजिए, 2 प्याज को छील करके धुल लीजिए। उसके बाद महीन महीन कट करके डालिए और नीचे गैस अभी भी आपकी चल रही है। फिर 6 से 7 लहसुन की कलियों को छील करके इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी अदरक को घिस करके डालेंगे और 1 टमाटर लेंगे, उनको भी धुल करके इसी में कट कर देंगे और ऐसे डाल देंगे। और नीचे गैस की फ्लेम हम लगातार चलाए हुए हैं। अब गैस की फ्लेम को जो सब कुछ डाल देंगे तो थोड़ा सा हम मीडियम पे कर देंगे और इसको भूनेंगे। अब हम इसको चलाएंगे और जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हुए हैं, लहसुन प्याज वगैरह, सब कुछ इसको मिक्स कर लेंगे सबके साथ में। और जी हाँ, वैसे मैंने भी कोई इस तरह का पिसा मसाला भी डाला नहीं इसको। और इसके मसाले इन मसालों के साथ, यानी खड़े मसालों के साथ थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और जब ये बार बार हम बंद करेंगे प्लेट और खोलेंगे, कम से कम 2 से 3 बार ये काम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा भुन जाएगा, जब यानी परवल थोड़ा सा भुन जाएगा तब हम इसमें थोड़े मसाले लेंगे। कटोरी में हल्दी लेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया लेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा लेंगे यानी पाउडर लेंगे इसका, और रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए। थोड़ा सा इसमें कढ़ाई मसाला भी डालेंगे और थोड़ी सब्जी मसाला और गरम मसाला लीजिए। और उसके बाद में कढ़ाई मसाले की रेसिपी मैंने डाली हुई है कढ़ाई पनीर में। जी हाँ, उसमें आके आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/2 बाउल के आसपास। और फिर इसको ये भून चुका है पूरी तरह से, तब हम इसको साइड में कर देंगे थोड़ा सा, बिना गैस की फ्लेम को ऑफ किए। अब इस भुने हुए आलू परवल को हम किनारे कर देंगे, यानी साइड में कर देंगे। और बीच में जो हमारे पास बचा हुआ तेल था उसी में डालेंगे, अलग से तेल नहीं डालेंगे। और इस जो मसाले को हमने बनाया है कटोरी में उसको पूरा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के फिर बचा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे से लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनेंगे मसाले को। जब भून जाएगा तब इसमें इस परवल आलू को मिक्स करेंगे चला करके। और अब लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। आपको दिखा रहे हैं बीच में, आप देखिए कहीं भी जला नहीं है, ना ही तेल अलग से गिर रहा है, यानी तेल की जो मात्रा मैंने क्वांटिटी डाली है वो बहुत ही कम है। और इसमें 1 खटाई की कली मैंने डाली हुई है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसको चलाएंगे लो फ्लेम पे, थोड़ी देर भूनेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आता है, उसको 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको उसमें डाल देंगे, जिससे सब्जी भी जलने ना पाए और थोड़ा सा ये जो बचा था स्पून में वो मिक्स हो जाए। और अब हम इसको चला करके थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके पकाएंगे, प्लेट से ढक देंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। ये अब लो फ्लेम पर ही पक रहा है और इसको थोड़ा सा भून जाने देंगे। इसको लगातार तब तक भूनेंगे जब तक इसमें मसाला पूरा सोख न ले, यानी परवल आलू पूरी तरह मसाले को सोख न ले। और ये सोखते सोखते देखिए पूरा परवल काफ़ी अच्छे से मुड़ तक जाता है। इतनी अच्छी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अब आप देखिए इस स्पैचुला पे कहीं पर भी आपको तेल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, यानी बहुत कम तेल में बनाया। मैं सेंटर में करके आपको दिखा रही हूँ, ये खाली करके सेंटर की जगह। देखिए कहीं भी तेल अगर होता तो किनारे करने पर सब्जी तेल बीच में आ जाता है, तो तेल नहीं है, यानी बहुत ही कम तेल में बनी हुई है। तो इसको आप ज़रूर बनाइए। और देखिए नाइफ से इसको टच करके देखते हैं कि ये पक चुका है कि नहीं, तो ये पक चुका है। और जब ये सूख जाए थोड़ा सा, और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ये बहुत अच्छे से पक जाता है। और अब हम इसको निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें आप अलग से चाहें तो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं सर्व करते समय।